आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेम वही एलिमेंटर के ही मॉड्यूल के अंदर है, और आज मैं आपको उन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करके एक बेसिक सा वेब पेज डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बड़ी डिटेल के अंदर देखा था कि किस तरह से हमने जो है वो कंटेंट, स्टाइल और एडवांस के अबाउट बात की थी और उनको तमाम तरीके से डिस्कस किया था और उनके सारे ऑप्शंस मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किए थे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेम वही एलिमेंटर के ही मॉड्यूल के अंदर है, और आज मैं आपको उन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करके एक बेसिक सा वेब पेज डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि आप लोगों को वो सिंगल सिंगल एलिमेंट समझ तो आ जाता है कि इसका ये काम है, इसका ये काम है, लेकिन जब हम वो डिज़ाइन करने बैठते हैं तो हमें ये नहीं पता चल रहा होता है कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ पर यूज़ करनी है। चले चलते एक बेसिक सा वेब पेज डिज़ाइन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से जो है वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। तो हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर और हमारा जो एलिमेंटर है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और ये वाली प्रैक्टिसेस हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखी थी, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये होम पेज हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको एडिट विद एलिमेंटर कर दिया, राइट। अब एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास इस तरह से कैनवास आ जाता है, आप सब लोगों को पता है। अब सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ सेटिंग्स में आना है और इसका ये जो टाइटल है इसको हमने हाइड करना है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, राइट। और उसके बाद ये पेज लेआउट को हमने कर देना है एलिमेंटर फुल विड्थ। उसके बाद हम तैयार हैं इसके ऊपर डिज़ाइन करने के लिए। तो हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो सिंपल जो है, सबसे पहले मैं एक बेसिक सा वेब पेज बनाऊंगा जिसके अंदर मैं एक हैरो सेक्शन लूंगा बड़ा सारा, और उसके नीचे 3 से 4 आइकन्स लूंगा, उसके नीचे फिर एक और सेक्शन लूंगा, और उसके नीचे हम एक कॉन्टेक्ट फॉर्म लेंगे और मैप लेंगे, राइट। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक सेक्शन लूँगा, ऑब्वियसली बात है, पहला सेक्शन हमारा हैरो सेक्शन होगा। तो मैंने कुछ इस तरह से सेक्शन ले लिया और मैं क्या करूँगा, इसके बैकग्राउंड के ऊपर एक इमेज लगा दूंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे गया और सिंपल मैं यहाँ बैकग्राउंड के ऊपर आने के बाद सिंपल मैंने यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे मैं कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लूँगा। लेट्स से मैं अभी यहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसकी सेटिंग्स कर दूंगा। पोजीशन को रहने दें, पहले हम ज़रा सेक्शन की सेटिंग कर लेते हैं। लेआउट के अंदर आ जाऊंगा मैं और इसको फुल विड्थ कर दूंगा, राइट। फुल विड्थ करने के बाद देयर इज़ नो गैप और हाइट जो है फिट टू स्क्रीन हो जाएगी हमारी यहाँ पे कुछ इस तरह से, राइट। अब ये जो इमेज है ये कुछ अच्छे से नज़र नहीं आ रही, नीचे की तरफ है, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है। इसको मैं ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं वापस यहाँ स्टाइल के अंदर जाऊँगा और ये इमेज मैंने लगाई हुई है इसकी पोजिशन मैं कर दूँगा सेंटर। तो ये यहाँ पे कुछ आ गया लेकिन अभी भी ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं आया ऊपर की तरफ, तो मैं यहाँ पे टॉप सेंटर कर देता हूँ, राइट, या बॉटम सेंटर करता हूँ। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है वो बड़े अच्छे तरीके से हमारे सामने शो हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करते हैं, इसके ऊपर एक जो है टेक्स्ट लिखते हैं। तो यहाँ से मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये हमारे पास है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट्स से सेव वाइल्ड लाइफ एंड सेव नेचर, ओके। तो ये मैंने लिख चुका हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ सेंटर के अंदर कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो डिज़ाइनिंग के लिए मैं यहाँ पे आ गया, इसका टेक्स्ट सबसे पहले मैं वाइट कर देता हूँ और इसका जो साइज है ये टाइपोग्राफी में आ गया और ये रोबोटो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कोई जो है अच्छा सा फॉन्ट यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ जोसेफिन। तो ये हमारे पास एक फॉन्ट है जोसेफिन, तो मैं क्या करता हूँ इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरह से, ओके, जितना मुझे रिक्वायर्ड है इतना काफ़ी है, ओके, राइट। तो ये मैंने एक सेटअप कर लिया। अब इसके नीचे मैं चाह रहा हूँ कि एक और टेक्स्ट आए जो कि स्मॉल लेटर्स के अंदर है। मैं वापस आता हूँ यहाँ एलिमेंट्स के अंदर और यहाँ से एक टेक्स्ट एडिटर इसके बिल्कुल नीचे ऐड कर देता हूँ और इसको मैं ज़रा थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ सेंटर के अंदर। इसका कलर जो है मैं वाइट कर देता हूँ और इसकी जो क्वांटिटी है मैं उसको ज़रा डबल कर देता हूँ कॉपी पेस्ट। यहाँ पे मैं डमी टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो आप कोई भी टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे ये हमारे पास डमी टेक्स्ट आ गया
और अब की बार हम क्या करते हैं, इसके नीचे अब मुझे मजीद दो बटन्स चाहिए। दो बटन्स के लिए मैं वापस इधर आऊँगा और यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा इस सेक्शन को जो कि है इनर सेक्शन। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सिंपल यहाँ इसके नीचे डाल दूँगा, राइट, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो सेक्शन आ चुके हैं, एक के अंदर मैं एक बटन लगा दूंगा, दूसरे के अंदर मैं दूसरा बटन सेट कर दूंगा। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से बटन लेके आया और यहाँ पे सेटअप किया, वापस गया और इसका जो है बटन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वापस ले जाता हूँ। ओके, दो बटन हमने यहाँ पे सेटअप कर लिए। मैं क्या करूँगा, एक बटन को डिज़ाइन करूँगा और उसका स्टाइल दूसरे बटन पे शिफ्ट कर लूँगा। तो मैं सिंपल इसको स्टाइल करता हूँ। इसको स्टाइल करने के लिए मैं स्टाइल के अंदर जाता हूँ और इसका अभी करंट कलर है जो बैकग्राउंड कलर है वो ये है। मैं कर देता हूँ इसका करंट कलर जो है बैकग्राउंड, और यहाँ पे जो है मैं इसका टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट्स से अबाउट अस, और उसके बाद मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा यहाँ पे एक आइकन का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे आइकन लगा दूंगा। मैं अपलोड नहीं करता बल्कि यहीं से चूज़ कर लेता हूँ इसकी जो ऑलरेडी लाइब्रेरी है। तो ये मैंने एरो आइकन यूज़ कर लिया। एरो आइकन के साथ यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बिफोर या आफ्टर, ये एरो आइकन बिफोर आए या आफ्टर आए, तो मैं क्या करता हूँ इसको आफ्टर पे ले जाता हूँ और यहाँ से इसके अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग दे देता हूँ 10 की, राइट। अब ये मेरे पास जो बटन है ये थोड़ा स्मॉल है, तो मैं इसको थोड़ा मीडियम साइज़ कर देता हूँ। ओके, ये अब अच्छा लग रहा है। इसको मैं ज़रा शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड पे यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके ऊपर कोई होवर सेक्शन होवर इफेक्ट नहीं आ रहा, मैं सिंपल यहाँ पे आया और सिंपल मैं यहाँ होवर पे गया। होवर के ऊपर मैं चाहता हूँ कि जब कोई भी इसके ऊपर होवर करे तो इसका जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक हो जाए और जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो जाए। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं वाइट कर देता हूँ, राइट। और यहाँ से मैं कुछ एनिमेशन भी ले लेता हूँ, सॉरी यहाँ से वो लेट्स से श्रिंक सिंक का ये वाला एनिमेशन ले लेता हूँ, लाइक दैट। ओके, तो ठीक है, तो ये हमारा जो है डिज़ाइन कंप्लीट हो गया एक बटन। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल इस पर राइट क्लिक करूँगा, कॉपी करूँगा और इस पर राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट स्टाइल कर दूंगा सिंपल। अब ये जो है पेस्ट स्टाइल राइट साइड पर स्टाइल सारे आ गए, लेकिन क्योंकि हमने इसको अलाइन राइट साइड पर किया होता है ये भी राइट साइड पर अलाइन हो गया। तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और इसको वापस लेफ्ट साइड पर लेके आ जाऊँगा और इसका जो टेक्स्ट है वो मैं चेंज कर दूंगा, लेट्स सपोज कॉन्टेक्ट अस। ओके, और यहाँ पे जो है हमने आइकन भी नहीं लगाया, तो हम आइकन यूज़ कर लेंगे और इसको आफ्टर पे कर देंगे, राइट। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये डिज़ाइन है। अब जो ये टेक्स्ट है ना, मुझे लग रहा है कि ये बैकग्राउंड थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, तो मैं बैकग्राउंड के ऊपर जाऊँगा यहाँ से सेक्शन के अंदर और यहाँ पे जो हमारे पास क्लासिक है ये बैकग्राउंड लगाया। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है बैकग्राउंड ओवरले, तो मैं इस बैकग्राउंड ओवरले पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लासिक पे जाऊँगा और यहाँ से जो है मेरे पास कलर वो मैं ये सिलेक्ट कर दूँ। अब हमारा जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है और बैकग्राउंड हमारा सेपरेट नज़र आ रहा है टेक्स्ट से, राइट। तो मैं इसकी जो ओपेसिटी है वो कम या ज़्यादा कर सकता हूँ इस तरह से, जितना भी मुझे रिक्वायर्ड होगा। आई गेस इतना ठीक लग रहा है हमारे पास। तो ये हमारा जो है हैरो सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, इसको मैं सेव करके, तो यहाँ पे देखें एक बड़ा ब्यूटीफुल सा हमारे पास जो है हैरो सेक्शन हमने डिज़ाइन कर लिया, राइट, कुछ इस तरह से। अब जो मैंने करना है वो ये करना है, यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन हमने लेना है। हमने कहा था कि हमने तीन आइकन्स लेना है यहाँ पे, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे इस ऑप्शन पे आऊँगा, यहाँ पे मैं तीन सेक्शंस लूँगा और सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा और एडवांस के अंदर जाके इसके अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग्स दूंगा। मार्जिन मैं इसको परसेंटेज के अंदर करता हूँ और बॉटम और टॉप के ऊपर जो मार्जिन्स हैं वो आई थिंक मैं मार्जिन नहीं देता बल्कि इसको पैडिंग दे देते हैं, राइट। पैडिंग और मार्जिन के अंदर मैंने फ़र्क बताया था, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट राइट से नहीं देना मुझे मार्जिन, तो मैं इसको अनचेक करता हूँ और टॉप से मैं दे देता हूँ 5 और बॉटम से भी मैं 5 दे देता हूँ, राइट। अब इसके अंदर मुझे आइकन्स ऐड करने हैं, तो लेट्स सपोज मैं सिंपल यहाँ पे आइकन्स रख देता हूँ। सिमिलरली हम एक आइकन को डिज़ाइन करेंगे और फिर उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे सिंपल। तो मैं यहाँ पे इसको स्टैक कर देता हूँ इस तरह से कुछ,
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्कल स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से सर्कल सही लगेगा, अच्छा लगेगा। और इसका अलाइनमेंट मैं सेंटर में ही रखूँगा। मैं इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेता हूँ, तो इसका जो मैं टेक्स्ट है बैकग्राउंड है वो ब्लैक कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और बाकी आई थिंक साइज मैं थोड़ा सा इसका सेट कर देता हूँ, आई थिंक 70 साइज बिल्कुल सही रहेगा, राइट। तो अब इस आइकन को ही मैं ज़रा चेंज कर लूँ, मुझे कौन कौन से आइकन्स चाहिए। तो मैं एक तो ये स्टोर का आइकन ले लेता हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं एक और आइकन लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो स्टाइल है, वो मैं सिंपल कॉपी करूँगा और इसके ऊपर पेस्ट स्टाइल कर दूँगा, राइट। तो सेम एज इट इज़ आ गया। तो अब इसका आइकन मैं चेंज कर लूँगा, तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कोई और आइकन यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। लेट्स से मैं ये आइकन यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके, राइट। एंड थर्ड वन अगेन सेम थिंग, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक आइकन लेता हूँ और इसका स्टाइल मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ पेस्ट स्टाइल, और इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, राइट। तो ये अब इसके नीचे मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना है, मैं सिमिलरली यहाँ से ये टेक्स्ट लाऊंगा और नीचे की तरफ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स सपोज मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, बेस्ट क्वालिटी। और इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। सेंटर करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेता हूँ, लेट्स से ब्लैक में कर देता हूँ, और बस बाकी सारा कुछ ठीक है आई गेस। तो आप मैं इसको भी बल्कि जोसेफिन कर देता हूँ, राइट, जोसेफिन सेंस बेस्ट क्वालिटी। तो सिमिलरली इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और अगेन यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ओके। और यहाँ से मैं डिफरेंट टेक्स्ट को है वो चेंज कर सकता हूँ। तो ये हमने कर लिया। अब उसके बाद सिमिलरली मैं एक और सेक्शन लूँगा जिसके अंदर मैंने कहा था कि हम एक मैप यूज़ करेंगे और साथ में कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे अगेन मैं इसको ज़रा से स्पेसिंग देता हूँ, क्योंकि स्पेसिंग से हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे भी मैं इसको 5 टॉप से परसेंटेज और 5 बॉटम से दे दूँगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और सिंपल यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये हमने एक मैप लगा दिया और इस मैप के ऊपर मैं लेट्स सपोज लिख देता हूँ लाहौर पाकिस्तान, ओके। और यहाँ पे देखिए हमारे मैप के ऊपर लाहौर पाकिस्तान शो हो जाएगा बिल्कुल सही तरह से। अब यहाँ पे हमने जो है वो हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना था, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने वेबसाइट में जाएंगे और सिंपल यहाँ पे जाने के बाद हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है फॉर्मिनेटर, या आप कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, चाहे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, फॉर्मिनेटर है, लेकिन फॉर्मिनेटर ऑल इन वन प्लगइन है जिसको हम यूज़ करेंगे अपने किसी भी तरह के फॉर्म्स बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ फॉर्मिनेटर, और सिंपल ये फॉर्म आ गया फॉर्मिनेटर का, हमारे पास प्लगइन आ गया। तो सिंपल मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे ऑप्शन आ गया, यहाँ पे फॉर्म बनाऊँगा। इन प्लगइन्स को मैं आगे चल के आपको मज़ीद अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, आपने परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे हमारे पास एक्टिव फॉर्म एक है रजिस्ट्रेशन का, आपने क्या कर सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लेट्स सपोज मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाता हूँ और मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म, और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, वो फॉर्म आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्म है, इसके अंदर कोई भी फील्ड आप ऐड या डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ फुल नेम, ठीक है, और यहाँ पे लिखना चाहता हूँ एहसान, ओके। तो लेट्स से ये बेसिक सा एक मैंने फॉर्म बना दिया, इसको मैं पब्लिश कर लेता हूँ। पब्लिश करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक कोड आ जाएगा, इस कोड को मैं कॉपी करूँगा, वापस चला जाऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कोड विजिट, कोड वाला विजिट, शॉर्ट कोड का विजिट यहाँ पे डालूँगा, यहाँ पे मैं शॉर्ट कोड डाल दूँगा, और यहाँ पे हमारे वो कॉन्टैक्ट फॉर्म्स एज इट इज़ आ जाएगा। उस कॉन्टैक्ट फॉर्म को यहाँ से मैं अपडेट कर देता हूँ इस पूरे पेज को जो कि हमने डिज़ाइन किया,
और अगर अभी इसको मैं फ्रंट एंड से देखूं कि ये किस तरह से लग रहा है, तो अभी आप देख पाएंगे कि हमने हेडर वगैरह डिज़ाइन नहीं किया, तो उसको अभी भूल जाएं। जस्ट मैंने बेसिक से आपको एक होम पेज डिज़ाइन करके दिखाया है। यहाँ पर देखें, अच्छा ये देखें, ये हमारे पास फॉर्म आ गया। अब इस फॉर्म को मैं थोड़ा सा डिज़ाइन करना चाहूँ तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। लेट्स से मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखें ये फॉर्म के अंदर ही ऑप्शन है अपीयरेंसेस का, तो यहाँ से जितने भी ऑप्शन हैं इस फॉर्म को डिज़ाइन करने के, तो वो ये सारे यहाँ पे, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो यहाँ से ये सेव्ड हो चुका है। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ अगर, तो यहाँ पे हमारे पास देखने को मिलेगा, ये देखें हमने मतलब एक बेसिक सा फॉर्म जो है वो डिज़ाइन कर लिया। तो ये एक बेसिक सा होम पेज मैंने आपको डिज़ाइन करके दिखाया है, होप आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह से आप एलिमेंटर को यूज़ करते हुए किसी भी तरह के डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और किसी भी तरह के पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे चल के मजीद इसके ऊपर काम करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह।